कजान में मंगलवार से गुरुवार तक चलने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर के नेताओं का पहुंचना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रूस के कजान पहुंच चुके हैं। वहां एयरपोर्ट पर उनके जबरदस्त स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। पीएम मोदी यहां ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कजान पहुंच चुके हैं। इसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भी पहुंचने की खबर है। कहा जा रहा है सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण को गुटेरेस ने स्वीकार कर लिया है। गुटेरेस के इसी कदम पर यूक्रेन भड़का हुआ है। यूक्रेन का आरोप है कि गुटेरेस युद्ध पर शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वे पुतिन के बुलावे पर रूस पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को इसके लिए एंटोनियो गुटेरेस की आलोचना की है। यूक्रेनी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्विट्जरलैंड में पहले वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए यूक्रेन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मंत्रालय ने आगे कहा है, उन्होंने वॉर क्रिमिनल पुतिन के कजान के निमंत्रण को स्वीकार किया है। यह एक गलत विकल्प है जो शांति के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता है, वह केवल संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें कि जून में स्विस माउंटेन रिजॉर्ट में शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 90 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने और संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। सम्मेलन में रूस को भी बुलाया गया था, लेकिन रूस ने इसे निरर्थक बताकर इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। वहीं गुटेरेस ने उस समय कहा था कि वह इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल जरूर शामिल हुआ था। हालांकि रूस के साथ बराबर का जंग लड़ रहे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वे इस साल के अंत तक दूसरा शांति शिखर सम्मेलन जरूर आयोजित करेंगे। गुटेरेस ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि वे कजान आना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहम हक से जब ये पूछा गया कि क्या गुटेरेस कजान जा रहे हैं तो उन्होंने 21 अक्टूबर को यह बताया कि उनकी आने वाली यात्राओं की घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि एंटोनियो गुटेरेस पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम रहे हैं। जंग की शुरुआत के बाद से ही यूएन के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस ने मानवता के नाम पर हमला रोकने की रूस से अपील की थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात को अनसुना करते हुए यूक्रेन पर पूरे दम से हमला कर दिया और यूक्रेन सीमा में टैंक के साथ अपनी सेनाएं भेज दी। यही हाल मौजूदा इसराइल और ईरान के बीच के तनाव का है। इसराइल का आरोप है कि गुटेरेस ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हमास को इसराइल पर हमला करने से रोकने में नाकाम रहे हैं। इसराइल ने तो एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसराइल का कहना है कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ईरान के जघन्य हमले की गुटेरेस ने उस तरह से निंदा नहीं की जिस तरह से अन्य देशों ने की। कुल मिलाकर गुटेरेस कई देशों के निशाने पर आ गए हैं और संयुक्त राष्ट्र की साख पर सवाल उठ रहे हैं।